Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. Hello friends, welcome to the Unique Academy. In today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kale is going to discuss about 18th May news. Here, in the continuation of Atma Nirbhar Abhiyan, government has declared the fifth tranche of economic package. ठीक है, तो पांच दिनों से चल रहा है. देखो, पहले में उन्होंने बिजनेसेस के लिए काम किया था, है कि नहीं, एमएसएमई को 3 लाख रुपए दिए, याद करो. दूसरे में उन्होंने देखो आपको माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए काम किया था, है कि नहीं, याद करते. ठीक है, फर्स्ट में उन्होंने बिजनेसेस के लिए काम किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होगा तो एमएसएमई के लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपीज का काम किया था. ठीक है, सेकंड अगर आपको याद होगा तो उसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोला है. ठीक है, उसमें एम्प्लॉयज के बारे में पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो वन रेशन वन कार्ड, ये इसके बारे में बात किया है. 8 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने के लिए बोला है. ठीक है, थर्ड में उन्होंने पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एंड अलाइड चीजों के ऊपर फोकस किया है, ठीक है नहीं. एंड उसमें देखो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करने के लिए प्राइमरली उसमें बोला था. उसके साथ साथ उन्होंने वैक्सीनेशन, 100% वैक्सीनेशन बोला है कैटल्स और उनका. मत्स्य योजना भी समृद्धि के लिए बात किया है, फिशरीज के लिए ऐसी चीज की है. फोर्थ ट्रांचे जो है उसमें, मतलब कल वाला जो है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस है उनका. एंड फिफ्थ ट्रांचे इज ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, इसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गवर्नमेंट ने फिफ्थ ट्रांचे में अब आत्मनिर्भर भारत अभियान में. तो देखो, पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, है कि नहीं. और हेल्थ में किसके ऊपर बात कर रहे हैं वो, तो पब्लिक स्पेंडिंग दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली. और उसके बारे में एक नीचे बड़ा वाला आर्टिकल है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आगे जाते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. तो देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का तो हर साल गवर्नमेंट टारगेट रख ही रही है, ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी इसके बारे में बोल दिया. उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि सारे सेक्टर्स नाउ विल बी ओपन फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, ऑल सेक्टर्स विल बी ओपन. बस उन्होंने वहां पे एक निगेटिव लिस्ट किया है, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रैटेजिक जो सेक्टर्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे अगर स्पेस है, या फिर डिफेंस है, ठीक है, ऑटोमक एनर्जी है, ये पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स है. इनको छोड़ के बाकी के जो सेक्टर्स है उसमें जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट कंपनीज है, उनमें प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा. और पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो जो भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर उन्होंने रखे हैं उसमें भी एक सेक्टर में 4 से ज्यादा पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होंगी. एक ही आप उसका डिफेंस का एग्जाम्पल ले लो, डिफेंस में देखो बहुत सारी क्या कंपनीज है जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है. जैसे कि आपने देखा तो सबसे HAL है, ठीक है नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, उसके बाद में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, बहुत सारी कंपनीज है जो डिफेंस के रिलेटेड काम करती है. तो ये क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा डिसइंसेंटिवाइज करता है, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रोविजन लाया है. उसके बाद में स्टेट्स के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने बोला है कि स्टेट का जो GDP होता है उसमें उन्होंने बोरोइंग करने के लिए ज्यादा बोला है. इसका भी आगे थोड़ा सा देखेंगे डिस्कशन में. अनएम्प्लॉयमेंट बारे में बोल रहे हैं तो एक्चुअली देखो, ये सबसे ज्यादा चीज जो है ये क्रिटिसाइज किया जा रहा था लास्ट 4 जो स्टिमुलस डिक्लेयर किए थे गवर्नमेंट ने 4 दिनों में. तो उसमें बोला जा रहा था कि MGNREGA का यूज आप नहीं कर रहे हो. तो देखो, उसमें उन्होंने बोल दिया 40,000 करोड़ रुपए नरेगा में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, सो दे विल बी डायरेक्टली गिवन टू द पीपल. तो इसका यूज डायरेक्ट इन्फ्यूजन ऑफ मनी के लिए हो जाएगा. आगे देखो उन्होंने क्या किया है, फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स सस्पेंड कर दिए फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो ऑब्वियसली किसके लिए, ये जो बैंक्रप्सी कोड है इंडिया, है कि नहीं, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो NPAs होते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलरली जब डेड हो जाता है
तो आईबीसी कोड से उसका सोल्यूशन किया जाता है। तो ऑब्वियसली अभी बहुत सारे नए एनपीएस क्रिएट होने वाले इन द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए तो देखो बहुत सारे क्रेडिट रिस्क गारंटी या हाफ गारंटी या बहुत टाइप की मॉनिटरी लिबरलाइज पॉलिसी लाई है, सो दैट दीज सिक यूनिट शुड रिवाइव देमसेल्फ इन अ सम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए ये भी देखो रेगुलेटरी मैकेनिज्म से उसको सस्पेंशन दे दिया फॉर अ वन ईयर। ठीक है, तो अभी देखो 5 दिन से लगातार आत्मनिर्भर भारत अभियान में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिलिनिएट और डिस्क्राइब इन डिटेल द फोकस दैट प्राइम मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड अबाउट 20 लाख करोड़ रुपीज से इकोनॉमिक स्टिम्युलस टू द इंडियन इकोनॉमी इन द कोविड पोस्ट इरा। तो इसके लिए देखो 2-4 चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज भी हो रहा है गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम। तो उसमें बोला जा रहा है कि एक्चुअली आपने बोला है 20 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है, लेकिन उसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं वो चीजें एक्चुअली डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टिमुलस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं वो मॉनिटरी पॉलिसी में आती है कि नहीं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क गारंटी दे दिया देखो, है कि नहीं, किसको, एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपीज का, तो उसको फिस्कल में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें मॉनिटरी में कैलकुलेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक थ्योरीज। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द से कैलकुलेशंस, ये हिंदू का आर्टिकल इसमें उन्होंने दिया है कि ओनली 2.2 लाख करोड़ रुपीज कैन बी ट्रेस्ड एज अ डायरेक्ट एडिशनल बजटरी कॉस्ट। इसमें भी ये उनको दिया जाए जिसमें भी 1.55 लाख करोड़ रुपीस इज ऑलरेडी बजेटेड एक्सपेंडिचर। तो आपके हिसाब से, ये आर्टिकल के हिसाब से 20 लाख करोड़ का आपने बोला है और एक्चुअली आप 2 लाख करोड़ के आसपास ही क्या कर रहे हो, इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडी इनटू द इकोनॉमी कर रहे हो। तो दिस बिकम्स अबाउट 1% ऑफ जीडीपी, लेस देन 1% ऑफ जीडीपी। तो दैट इज अ क्रिटिसिज्म ऑन दिस पर्टिकुलर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, आगे जाते हैं, देखो आगे के दो आर्टिकल्स में आपको ये पर्टिकुलरली अभी जो रिसेंट वाला 5th वाला जो स्टिमुलस आया है उसमें दो डायमेंशन के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट वी विल सी अबाउट दिस पर्टिकुलर इश्यू ऑफ बोरोइंग लिमिट्स फॉर द स्टेट इंक्रीज टू 5%, है कि नहीं। तो 3% तक तो लेते ही थे स्टेट्स, लेकिन अभी 5% तक उन्होंने दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू देयर ग्रॉस जीडीपी जो है, स्टेट का जीडीपी जो है उसके रिलेटेड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो क्यों किया है उन्होंने ऐसे, तो अभी स्टेट्स भी ऑन देयर ओन आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, तो इन दिस पर्टिकुलर के स्टेट्स को भी क्या हो रहा है, दे आर हैविंग अ स्ट्रेन ऑन देयर ओन ट्रेजरी। पर्टिकुलरली सेंटर से जो स्टेट को हेल्प आती है फाइनेंशियल हेल्प, वो भी आज की डेट में थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप पिछला वाला याद करोगे तो आपको याद हो रहा कि कॉम्पेंसेशन फंड जो आता था जीएसटी में, वो कुछ महीने से नहीं आया है क्योंकि सेंटर में भी पैसे का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर स्टेट को पैसे की ज़रूरत है तो स्टेट क्या कर सकता है, तो जो भी उनके अवेलेबल रेवेन्यू सोर्सेस है उसको ट्रा सकता है। जैसे कि देखो उन्होंने अल्कोहल सेल आउट करने के लिए परमिशन दे दिया, बिकॉज दिस अल्कोहल प्रोडक्ट्स कम्स एज अ पार्ट ऑफ अबाउट 10% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, ठीक है, इन सम ऑफ द स्टेट्स, सम इन सम ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम भी है, लेकिन दिस इज नॉट सफिशिएंट, तो उन्होंने बोरोइंग करने के लिए स्टेट को अलाउड किया है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप दूसरी डायमेंशन से देखोगे तो अगर सेंटर बोरो करता है एक्सटर्नली तो इट बिकम्स चीपर एंड easier फॉर सेंटर टू borrow मनी फ्रॉम द मार्केट एज कंपेयर टू states। तो इसके लिए एक सजेशन दिया जा रहा है, सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग एवरी स्टेट एंड से आस्किंग देम टू borrow externally ऑन their ओन, सेंटर शुड हैव डन दैट, सेंटर शुड हैव borrowed अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड शुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन द विद द स्टेट्स according to their requirement. So economically it would have become little bit cheaper and easier thing to do, lekin abhi unhone nahi kiya hai aise,
सेकंड चीज हम लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल में देखनी है, इट इज अबाउट डिस्कॉम्स सिचुएशन। तो अगर आप देखोगे तो यस्टरडे भी फोर्थ ट्रांचे में भी उन्होंने पावर यूनिट्स के बारे में बात किया है एंड फिफ्थ ट्रांचे में भी उन्होंने पावर यूनिट्स के बारे में बात किया है, ठीक है। तो क्या ये प्रॉब्लम है इसका, तो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो तीन इसमें आप डिवाइड कर सकते हो पावर यूनिट्स को, ठीक है। फर्स्ट इज ए जनरेटिंग जनरेशन, ठीक है, तो इसमें आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो सकते हैं, न्यूक्लियर हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं, सोलर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसका जो कंपनी है वो जनरेशन कंपनी। ट्रांसमिशन है कि नहीं, तो जो जनरेशन से ग्रिड को कनेक्ट करता है और ग्रिड से आपके सिटी में या आपके गांव तक इसको लाता है, आपके ब्लॉक में लाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में लाता है, और वहां से फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है वो कंपनीज उसको पर्टिकुलरली आपके घर तक लेके आती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आप जो बिल भरते हो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भरते हो, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है जिसका पैसा वो उसको देना चाहिए, और ये ट्रांसमिशन कंपनी जो होती है ये पैसा जनरेशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से खरीदता है, इसके लिए उसको पैसा देता है। नाउ दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर, है कि नहीं, जनरेशन टू ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंपनी टू कंपनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो पर्टिकुलरली देर इज नो प्रॉब्लम, बट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग विद द कस्टमर्स, और वो कस्टमर्स कौन है, तो इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऐसे है। एंड पर्टिकुलरली इस केस में क्या हो जाता है, पीपल आर नॉट पेइंग बैक, है कि नहीं, समटाइम देर इज ऑल्सो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फेस लॉट ऑफ लॉसेस। अगर उन्होंने लॉस ले लिया है लेकिन वो ट्रांसमिशन को नहीं बोल सकते कि हमारा लॉस हुआ है तो हम आपको पैसे नहीं देंगे, तो ट्रांसमिशन तो बंद कर देगा उनको इलेक्ट्रिसिटी देना, ठीक है। सो ये जो लॉस हो रहा है बहुत दिनों से, दिस लॉस इज ऑग्यूमेंटिंग, ठीक है, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर डिस्कॉम कंपनीज हैव बिकम अ सिक यूनिट्स। एंड पर्टिकुलरली अगर देखोगे तो ये जो सिक यूनिट्स है, मतलब ये डिस्कॉम्स जो है, दीज आर अंडर द स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। तो इसीलिए रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये डिस्कॉम्स को अपने स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपीज का पैकेज डिक्लेयर किया है, जिसको उन्होंने बोला है स्पेशल लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन लोन्स टू डिस्कॉम्स फॉर COVID-19। तो ये क्या हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प टू डिस्कॉम टू क्लियर देयर ड्यूज टू द पावर प्रोडक्शंस, ठीक है, एंड प्रोड्यूसर्स एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, ठीक है, और उसमें क्या किया है उन्होंने, पर्टिकुलरली 10 साल का टेन्योर रखा है, इसीलिए देखो लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोला है ना, है कि नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने 3 साल का मोरेटोरियम भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे पता होनी जरूरी, ठीक है। आगे जाते हैं, देखो हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे, ये आर्टिकल को ठीक से ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले भी हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत चर्चा की है। अगर आपको याद होगा तो 7 मई का जो हमारा डिस्कशन है, इसमें हम लोगों ने ये ऐसे भी लिया था डिस्कशन के लिए, क्या ऐसे है, देखो, मेक श्योर पीपल गेट एजुकेटेड, हेल्प आउट विद द हेल्थ इमरजेंसीज, कौन सी जो चीजें बोल रही है, एजुकेशन एंड हेल्थ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोज थिंग्स द गवर्नमेंट शुड डू, दैट्स ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमी, तो इस एश्योर्स को इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे के बारे में लिखा था, बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा है और लिख के हम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेजा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे यूनिक डिस्कशन, ठीक है, तो इस पे आप लोग हम लोगों को आंसर्स वगैरह लिख के भेज सकते हो, हम लोग यहाँ पे पीयर रिव्यू करते हैं, मैं भी उसमें चेक करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी देखते जिस पर्टिकुलरली ये हम लोग क्यों आज डिस्कशन के लिए ले रहे हैं आर्टिकल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसे मैंने पढ़ा, तो उसमें पर्टिकुलरली एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में लिखा है, एक्सपेंडिचर GDP कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है, गवर्नमेंट स्कीम्स लिखे है, ठीक है। लेकिन जब हेल्थ के बारे में लिखने के लिए आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर पर्टिकुलरली फेसिंग लैक ऑफ कंटेंट, ठीक है,
कि हेल्थ को आप इकोनॉमी से कैसे जोड़ोगे। एजुकेशन को तो जोड़ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट से जोड़ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़ रहे हो, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, अप्रेंटिसशिप स्कीम, बहुत तरीके से आप एजुकेशन को इकोनॉमी से जोड़ते हो, लेकिन हेल्थ के टाइम पे आपके पास लैक ऑफ कंटेंट एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसमें देखो, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें आपको अच्छा सा कंटेंट मिलेगा जिसको आप ऐसे टाइप के एसेज में लिख सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस साल का टॉपिक बनेगा। क्या है देखो, अभी रिसेंटली जो आत्मनिर्भर अभियान आया इसमें भी हेल्थ के लिए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस दिया गया, ठीक है। क्या है ये, इसके बारे में एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग देखोगे तो इंडिया के केस में पर्टिकुलरली हेल्थ के ऊपर वी आर स्पेंडिंग अबाउट 1% ऑफ GDP, ठीक है। सो इंडिया का GDP आप देखो 2.5 टू 2.8 ट्रिलियन तक आप ऊपर पकड़ोगे कैलकुलेशन से, तो इट इज वेरी वेरी लेस अमाउंट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज टू बी स्पेंड ऑन हेल्थ एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप आज की डेट में देखोगे तो इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज इट्स ग्रोथ रेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स 1% से ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट ईयर भी अगर आप GDP में से हेल्थ के ऊपर का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाते तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में क्या देखने को मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। जस्ट कंपेयर इंडिया विथ अमेरिकन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हम लोग यहाँ पे अभी टेम्पररी हॉस्पिटल्स बना रहे, टेम्पररी क्वारंटाइन फैसिलिटीज बनाने की कोशिश कर रहे, एंड यू जस्ट डू नॉट कंसिडर कि इफ देर इज अ टेम्पररी हॉस्पिटल मीन्स वहाँ पे सिर्फ एक बेड लगा दिया, मतलब यू शुड नॉट कंसिडर दैट एज अ वेल इक्विप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होना जरूरी है, उसके साथ साथ आपको आपके पास मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें डॉक्टर्स है, नर्सेस है, तो उनके एजुकेशन के लिए बहुत सारा आपको खर्चा करना पड़ेगा, है कि नहीं, ये हेल्थ रिलेटेड ये है। उसके साथ साथ आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और आपके डेट में आप देख ही रहे हो कि एक वेंटिलेटर हमारे पास कितना सारा डेफिशिएंसी है, PPE किट का कितना सारा डेफिशिएंसी है कि नहीं। सैनिटाइजर भी भैया शुरू में कब थे, तो इसको क्या बोलेंगे, ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, ठीक है। उसके साथ साथ मेडिसिंस, उसके साथ साथ देखोगे तो नई न्यू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, ये भी उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें गवर्नमेंट लेड होने चाहिए प्रोग्राम्स, है कि नहीं, और उसको लगेगा आपको पैसा, है कि नहीं। सो GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी इंक्रीज। सो इसके लिए देखो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, हेल्थ कवरेज में भी बोला है उन्होंने श्री कृष्णा कमेटी का रिकमेंडेशन, ताकि आप GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा दो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, एंड दैट इज वाई अवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इनएफिशियंट टू टैकल सच टाइप ऑफ पेंडेमिक्स लाइक कोविड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, हम लोग हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो भैया, हेल्थ के रिलेटेड आपको बेसिक मैंने बता दिया क्या क्या आपको लिखना था इस पर्टिकुलर एसे में, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग एक्सपांड करेंगे, एंड इसमें हम लोग एक एक इसका अगर पैराग्राफ भी बना देते हो, आप 3-4 पैराग्राफ हेल्थ के बनाओगे, 3-4 पैराग्राफ एजुकेशन के बनाओगे, तो भी इट विल बिकम अ वेरी गुड इशू एसे टू बी रिटन, ठीक है। आगे जाते हैं, एक बढ़िया सा आर्टिकल आया देखो इंडियन एक्सप्रेस में, दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन चैलेंज स्टडीज, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं ह्यूमन चैलेंज स्टडीज होते क्या। तो हम लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीन बनाया जा रहा है कोविड के लिए, ठीक है, कोरोना वायरस के डिसीज के लिए, तो उसमें आप दो चीजें कर सकते हो, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको तो आप ड्रग डेवलप करोगे उसको क्योर करने के लिए, लेकिन जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है, हेल्दी पर्सन है, वो इन्फेक्शन उसको ना हो उसके लिए आप वैक्सीन बनाते हो, ठीक है। सो सपोज नाउ एनी पर्सन इज देयर हु इज लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल से मुंबई में बहुत ज़्यादा रेड जोन है इंडिया में, तो मुंबई में से आप लोगों ने हेल्दी लोगों को चुना, एंड यू हैव से टेस्टेड वन वैक्सीन, ठीक है, ट्रायल phase 2 phase 3 में आप उसको हो, तो आपने उन लोगों को वो वैक्सीनेशन कर दिया,
And then you are waiting that these people should naturally come in contact with the infection, and when they will come, they should not get infected. But the point is that this may take long period of time, and उसके बाद भी अगर आपको समझ में आ गया कि infection होने के बाद they are showing some symptoms या vaccine is not effective, तो then you have to go and change the parameters and formulas of your vaccine and then come back and do the trials again. So this becomes a very lengthy procedure. In normal cases, it is okay, ठीक है. But suppose in this particular COVID-19 वाला scenario, now this is a very very challenging scenario where there is an urgent need of a vaccine. So आप ये trials को इतने ज़्यादा duration को लिए रखना is not good. तो आप क्या करोगे? Then you can go for the human challenge studies. इसमें क्या करते हो? You will choose some of the volunteers who on their own are ready to come, and they are aware that they will be injected with the vaccine, or they will be given this particular vaccine, and also they will be deliberately exposed to that particular infection. ठीक है, तो हेल्दी इंसान है, उसको वैक्सीन देंगे और उसको डिलीबरेटली उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से उसको अवगत कराएंगे. ठीक है, तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा एंड देन दे विल फाइंड आउट कि क्या भैया इसको क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं. तो ये करना जरूरी है क्योंकि आज की डेट में हम लोगों को पर्टिकुलरली दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, ये कोविड के ऊपर है कि नहीं. इसके साथ साथ वी कैन नॉट वेट फॉर हर्ड इम्यूनिटी टू डेवलप, है कि नहीं. हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट क्या है, देखो कि अगर 60-70% लोगों को कोई भी एक आधा इन्फेक्शन हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल नेचुरली इवॉल्व एंड डेवलप अ रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टेरियल. बट दिस इज अ वेरी वेरी रिस्की थिंग टू डू, क्योंकि 60-70% लोगों को अगर आप सोचोगे कि इन्फेक्शन होना चाहिए तो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज 7 बिलियन, तो आपके हिसाब से 400 से 500 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन होना जरूरी है. और उस हिसाब से अगर आप देखो देते तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाएगी. एंड 400 करोड़ लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए हेल्थ का वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी. सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी सफरिंग वाला प्रॉब्लम. तो इससे अच्छा है कि वैक्सीन डेवलप किया जाए, लेकिन उसके रिलेटेड एक चैलेंज डेवलप हो जाता है और वो चैलेंज हम लोग आज के आंसर राइटिंग क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखो भैया क्या क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे, इथिक्स का एक क्वेश्चन बना देते हैं. इज इट इथिकल टू डेलिबरेटली इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन विथ अ पोटेंशियली डेडली इन्फेक्शन टू चेक द एफिकेसी ऑफ एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन. ठीक है, तो ये इन्फेक्शन वर्ड है. ओके, तो भैया वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख देना. आंसर लिख के हमारे को हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देना. ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे, चेक भी करेंगे, बाकी के लोगों का भी आंसर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा. ठीक है, ओके, ऑल राइट. तो आप लोगों ने आंसर लिखा होगा, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं, फिर आगे जाते हैं. क्या देखो डिस्कशन में करते हैं यहाँ पे, तो पहले बताएंगे कि भैया ह्यूमन ट्रायल्स होते क्या है, है कि नहीं. तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स आर द ट्रायल्स जहां पे एन हेल्दी इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड, ऐसे ऐसे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अभी देखना. ये आंसर जीएस में इथिक्स के डायमेंशन से आपको लिखना है, तो आपके आंसर में इथिकल वोकेबुलरी आना, इथिक्स की वोकेबुलरी आना, उसकी कंसेप्ट आना, उसकी थियरी आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पहले बताएंगे देखो व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन, पर्टिकुलरली फॉर द एक्टर एंड फॉर द पब्लिक. ये दो अलग अलग लोगों पे दो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं भैया. तो दिस पर्टिकुलर पर्सन मे डाई, दिस इज वन कॉन्सिक्वेंस, और इट मे सर्वाइव, दिस इज एन अनदर कॉन्सिक्वेंस. किस डिपेंड पे, देखो दो चीजों पे. कैसे डाई करेगा, अगर इन्फेक्शन पोटेंशियली फेटल हुआ, वैक्सीन ने काम नहीं किया. और सर्वाइव कैसे करेगा, अगर इन मेडिसिन ने काम कर दिया. ठीक है, तो पब्लिक में इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, अगर वो मर गया भैया तो पब्लिक के लिए तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी अनदर वॉलंटियर
there will be another trials, and the people, these clinical research agencies will keep on going till that they find out perfect solution to this particular problem. But look at the condition when this particular person survives, then it will be beneficial for whole society and the common good has achieved. This is very very important word. ये word आपके answer में आना चाहिए because this is an word from the consequentialist theory. ठीक है नहीं? तो ये word आना चाहिए भैया. आगे जाएंगे और फिर बताएंगे कि therefore utilitarianism will advocate such type of trials. But अभी यहाँ पे देखो बहुत important चीज लिखेंगे. But क्या होने वाला है problem? Because the first case makes this particular case as ethically sensitive, very important. First case इसको ethically sensitive बनाता है. कैसे बनाता है? देखो भैया, क्योंकि मर रहा है ना वो particular actor, तो क्या कर सकते हैं उस case में? तो लिखेंगे भैया, however, if right actions followed by right intentions, such prescribed by WHO, क्या क्या है? तो देखो पर्टिकुलरली अगर हम लोग वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन लेते हैं, वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? वी आर नॉट एनफोर्सिंग एनीबडी. ठीक है, जो वॉलेंटरीली आना चाहता है वो आ जाए. ठीक है, विथ फुल डिस्क्लोजर एंड इन्फॉर्म कंसेंट. मतलब हम लोग पहले ही बताएंगे कि भैया दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन इज फेटल. ठीक है, एंड अगर आपको इस बारे में पता है एंड फिर भी यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रायल वॉलेंटरीली, देन एंड देन ओनली यू विल बी taken for that particular trial. उसके साथ साथ in case of that particular first case, तो आपके लिए भैया financial and other incentives है, जैसे कि आपको insurance coverage दिया जाएगा. ठीक है, and there will be other type of incentives. ठीक है, उसके साथ साथ full oversight of independent ethical committee. This is very very important. Ethical committee वहाँ पे होगी, सिर्फ researchers नहीं होंगे, because they will look at the ethical dimension of this particular study. अगर आप ऐसे करते हो तो this will ensure a fair means used. ठीक है, this is very important. Now ethics के word डाल रहे देखे इसमें, ensure the fair means used in the trials and no injustice or exploitation of volunteer under the trial has happened, and hence this becomes ethical from the point of view of this particular theory. कौन सा वाला theory? The deontologist के theory से ये एथिकल हो जाता है. ठीक है, तो समझ रहे हो कैसे लिखना था? तो देखो भैया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके एग्जाम में. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आ रहा है तभी करंट अफेयर से प्रिपेयर करके रखा करो. ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे इन दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन. माय सेल्फ शिवाजी काळे साइनिंग ऑफ.